कृष्ण नगरी मथुरा जिले में दो दिन पूर्व लापता हुए 14 वर्षीय किशोर का शव झाड़ियों में मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंचे आला अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेकर शव को कब्जे में ले लिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताया कि बाद निवासी कौशल कुमार का पुत्र हर्ष केंद्रीय विद्यालय रिफाइनरी नगर में कक्षा 9 का छात्र था, जो घर से बाजार में चाउमीन और पेटीज लेने के लिए गया था। उसी दौरान हर्ष घर नहीं आया और केतु मंदिर की तरफ चला गया, जिसका शव दो दिन बाद गांव के पास ही बबलू के खेत में पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना से लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिससे मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी सूचना मौजूद लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर शव को कब्जे में ले लिया। जनपद मथुरा के थाना रिफाइनरी के बाग गांव से एक 14 वर्षीय बालक, जो कि कल सुबह 11 बजे के आसपास अपने घर से निकला था और उसके बाद शाम तक घर नहीं लौटा, इसकी सूचना परिजनों द्वारा 7:30-8 बजे शाम को थाने पर दी गई। सूचना प्राप्त होते ही थाने की और बाकी सभी पुलिस टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन कराया गया। सीओ रिफाइनरी द्वारा इस सर्च ऑपरेशन का सुपरविजन किया गया था। रात भर ये सर्च ऑपरेशन उस गांव के आसपास और आसपास जो जंगल है, गांव वालों की मदद के साथ चलाया गया। आज सुबह अनफॉर्चुनेटली बच्चे की डेड बॉडी गांव से ही कुछ दूरी पर एक जंगल के क्षेत्र में मिली है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है, डॉक्टर के पैनल से और वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा और सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है। फोरेंसिक की टीम और डॉक्टर द्वारा भी घटनास्थल पे अपनी कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल से सभी जो एविडेंसेज हैं इकट्ठा किया जा रहा है। परिजनों से भी लगातार बातचीत की जा रही है, उनसे भी काफ़ी जानकारियाँ दी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी ओर एसएसपी ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई।